ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਵਿੱਚ ਜੋ ਪਲਾਟ ਬੜਾ ਸਾ ਫੈਕਟਰੀ ਬੜਾ ਸਾ ਅਸੀਂ ਇਹ ਪੁੱਛੇ ਤੁਸੀਂ ਛੋੜੋ ਖੁਦਾ ਦਾ ਫਿਰ ਕਿਸ ਟਾਈਮ ਆ ਜਾਓ ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਜੀ ਆਪਾਂ ਜੀ
ਇੱਜ਼ਤ ਦੀ ਹਿਫਾਜ਼ਤ ਨਾ ਕਰ ਸਕਿਆ। ਮੈਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਖਵਾ, ਪਰ ਇਸ ਵਿੱਚ ਮੇਰੀ ਗਲਤੀ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀ ਸਨਾਤਨ ਸਾਥੀ ਤੁਸਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹੈ, ਤੁਸਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹੈ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਮੁਸਤਕਬਲ ਚੁਣਨੇ ਦਾ ਵੇਲਾ ਆਉਂਦਾ ਤੇ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੋਚਦੇ ਹੋ, ਅੱਖਾਂ ਖੋਲ ਕੇ ਮੋੜ ਕੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹੋ। ਔਰ ਇਸ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਕਾਇਮ ਨਜ਼ਾਕਤ ਹੁਸੈਨ ਸ਼ਾਹ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ,
इन्हों ने एक ऐसा मिशन शुरू किया है कि जिस पे हम नाज कर सकते हैं। कार्लाइल ने जब उसको भेजा गया इंडिया कि जाके देखो कि किस तरीके से लोगों को पैसिफाई कर सकते हो, मतलब उनका ये था कि ये जुआ जो गुलामी का है ये बाकी है। तो उसने वापसी पे जाके जो रिपोर्ट दी थी उसमें ये था कि जनाब आप उन पर काबू नहीं पा सकते जब तक कि आप उनके कल्चरल सेटअप को डिस्टर्ब नहीं करते हैं या खत्म नहीं करते। तो इतने मंदी और इतने अपने कल्चर और सब अपनी जो तवारस की हवायात हैं इतने उनके चाहने वाले हैं कि आप उनसे नहीं कर सकते। तो इन लोगों ने ये बड़ी इनायत है, ये बड़ा पन है, ये इनका कुर्बानी का जज्बा है कि जो इन्होंने हमारे कल्चरल सेटअप को अहिया बख्शा और उसकी तशहीर और तरवीज के लिए अमली इकदाम किए हैं। तो खुदा का फजल है कि ये दोनों भाई हैं कजन और दोनों ने उसने इत्तेफाक है कि अपने लिए जो टारगेट चुना है वो एक जैसा है और दोनों की मंजिल एक है और शुक्र रूप लगेंगे। आज के ज़माने में कौन फारग है, हर आदमी अपने अपने सही लगा हुआ है, लेकिन इन्होंने हमारे कल्चर को तहफ़ देने के लिए और बाकी रखने के लिए ये कुर्बानी दे रहे हैं। बाकी है क्या खुदा का फजल है हमारे शुरा अजबा आला और अरफा किस्म का कल्चर वो अदब हमें दे रहे हैं। आप देख लें कि नियाज तवाती अफजल कमाल साहिब और सुल्तान सुकून हैं और फिर इसके अलावा हमारे दूसरे जो शुरा हैं जिनके मुझे नाम नहीं आते एम्पो शुरा वो बड़ा अच्छा और जानदार अदब हमें दे रहे हैं। तो इंशाल्लाह कोई गम की बात नहीं है। अब हमें ये चाहिए आज इन्होंने आले हवेलिया के यहाँ पर हमारे घर आकर हमें दस्तक दी है, हमारे फैमो विरासत पर दस्तक दी है कि हम भी कुछ ना कुछ इस अजीम काम में अपना हाथ बटाएं। तो मैं इनको यकीन दिलाता हूँ कि इंशाल्लाह हम हमेशा के लिए इनको अकेला नहीं छोड़ेंगे, इनको अकेला नहीं छोड़ेंगे। हमसे जो हो सका हम इस कार्य खैर में इनके साथ होंगे और इनके साथ साथ चलेंगे इंशाल्लाह। इस वास्ते कि ये जो चीज़ महसूस कर रहे हैं हज़ारा की जो रवायात महफूज कर रहे हैं, मतलब मेहमान नवाजी है, खुददारी है, गैरत है और इसका बनाए जबा है, ये सारी जो चीज़ें हैं ये किताबी सूरत में महफूज होती जा रही हैं और हमारे बच्चे और हमारी आइंदा रखने की उनसे इंस्पायर होती है इंशाल्लाह। और मैं आखिर में इनका शुक्रिया अदा करता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया बहुत शुक्रिया हज़ारा आर्ट काउंसिल और डायरेक्टर कल्चर के पीके भी मैं शुक्रगुजार हूँ कि हज़ारा के फनकारों को अपनी सलाहियत का इजहार का मौका मिले और पूरे हज़ारा में हज़ारा के फनकार गुलकार शायर अपनी सलाहियत का लोहा मनवा रहे हैं। और बारी है इस प्रोग्राम में मैं ज्यादा कर रहे हैं तशीफ ला रहे हैं खूबसूरत गीतों के नाल हज़ारा के नामी ग्रामी खूबसूरत सुरीली आवाज वाले नाम पर टॉप गुलकार बटो तालियां चाहता है इस्तेमाल करो बेशुमार ऑडियो कैसेट और सीडी जो मेरी मार्केट में मौजूद ने और इन्हें सोनी आवाज अभी सुनते रहने हैं, पसंद करते हैं और दिल में पसंद करते हैं। तशरीफ लाते हैं सोने सोने गीत माइया नाल बटूर तालियां शानदार इस्तेमाल करो हरिया वाले ताकि पता चले कि कोई फनकार गुलकार पसंद शेर में आए हैं
पसंद तालियां खूब देते सिपा देने अधिक आवा Thank you.